तो भाई तुम लोगों को तो पता ही है, मैं गेमिंग करने के लिए एक डिवाइस खरीदा था, पोको X3 प्रो, और 12 दिन के अंदर अंदर वो फ़ोन डेथ हो चुका है। और वो फ़ोन मैंने एक ऑफलाइन दुकान से ख़रीदा था, तो वहाँ पे बिल पे जो है GST इंक्लूडेड नहीं था, सो दैट्स वाई MI की जो सर्विस सेंटर वाला ना उस फ़ोन को एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने काफ़ी कोशिश किया, गिड़ गिड़ाया भाई, बहुत कुछ किया, फिर भी उन लोगों ने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। वहाँ पे तो थोड़ी बहुत एंग्री वगैरह हो चुका था, झमेला हो चुका था, तो मेरी पिछली वाली वीडियो तुम देख के समझ सकते हो। बाकी अभी की जो अपडेट है ना, मैं उस फ़ोन को लेके एक शॉप पे दिया था, उन्होंने कहा था कि भाई 2 दिन बाद में तुम्हें कॉल करके बताऊंगा कि कितने पैसे लगेंगे और कैसे इसको ठीक होगा, क्या प्रॉब्लम हुआ फ़ोन की बेसिकली। तो 2 दिन बाद में मैंने उसको कॉल किया, पूछा, तो उसने बोला कि भाई CPU की प्रॉब्लम है, तो इसको चेंज करेंगे, 2500 से 3000 कॉस्ट आएगी। तो मैंने बोला भाई इतना पैसा तो नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत कोशिश कर सकता था, ठीक है, मतलब मैनेज में कर लेता कहीं से भी, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है तुम कर देना। फिर 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, आज शायद 5 दिन हो चुका है। तो मैंने आज भी उसको कॉल किया था, मैं हर एक दिन फ़ोन कॉल करके पूछता था कि भाई डिवाइस क्या है। तुम लोगों को पता है अगर एक बंदे के पास डिवाइस नहीं है तो आज रहना कितना ज़्यादा मुश्किल है। जो बंदा फ़ोन यूज़ करता है ना, एक दिन उससे फ़ोन छीन के देखो भाई, मतलब एक दिन तुम खाना मत देना उसको, लेकिन फ़ोन बिना वो नहीं रह सकता। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा सीन हो चुका था, बट भाई आज जब मैंने कॉल किया तो उसने कहा कि भाई CPU चेंज करने से ये फ़ोन ठीक नहीं हो रहा है, और यहाँ पे ना CPU के साथ साथ जो मदर बोर्ड है ना वो भी डेथ हो चुका है। तो अभी मैंने बोला तो भाई उसकी जो कॉस्ट सुन के ना मैं तो पहले तो हैरान हो चुका, मेरे को बोला कि 10 से 15 हज़ार लगेंगे, फिर भी ये शायद ठीक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ, अगर तुम कहे तो मैं कोशिश करूँगा। तो मैं भाई बोला भाई रहने दो, इतना ये 3 हज़ार मेरे से नहीं जुगाड़ हो रहा है, इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊँगा। अभी मेरा जो गेमिंग करने का शौक था ना वो भाई पूरा ख़त्म हो चुका है, अभी करना क्या है वही मैं सोच रहा हूँ। फिलहाल जो है ये एक पोको X3 प्रो तो डेथ हो चुका है, एक रेडमी का फ़ोन था भाई, आज ऑलमोस्ट 3 साल हो चुका है, जो कि मेरा भाई का है, तो मैं वही लेके थोड़ा बहुत यूज़ कर रहा हूँ। और तुम लोगों को पता है भाई फ़ोन के बिना रहना कितना ज़्यादा मुश्किल है। अब मैं सोच रहा हूँ करूँ तो करूँ क्या, बट हाँ मैं सोच रहा हूँ EMI से एक फ़ोन वगैरह ख़रीदने की, वो काफ़ी बढ़िया रहेगा, लेकिन पैसा तो एक साथ में नहीं देना सकता, और गेमिंग भी करना है तो एक पावरफुल डिवाइस ही लेना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ XR ले लो या क्या लूँ, मेरे को अभी कुछ मतलब दिमाग में काम ही नहीं कर रहा है। लेकिन पोको जो ये फ़ोन है ना, ये भाई पूरा कंप्लीट बेस्ट हो चुका है। तो मैं तुम लोगों को कहना चाहता हूँ कि भाई तुम अगर गेमिंग करने के लिए, बेसिकली कॉन्टेंट क्रिएट करने के लिए कोई भी एक फ़ोन लेने की सोच रहे हो ना, तो भाई तुम OnePlus ले सकती हो, लेकिन जैसे पोको या रेडमी या तुम रियलमी इन सारे ब्रांड के साथ मत जाना, क्योंकि इन लोगों की फ़ोन की ना नॉर्मल जो लोग यूज़ करते हैं उनके लिए होती है, गेमर के लिए नहीं होती है, ये बात पहले सुन लो, ठीक है। तो जितना भी कह ले जो भी यूट्यूबर है ना, जो बड़े बड़े तुम देखते हो, मैं भी देखा था भाई पोको X3 प्रो खतरनाक, लेकिन जब उस पर तुम गेम खेल रहे हो ना, नॉर्मली जब तुम खेल रहे हो काफ़ी बढ़िया चलता था, बट जब भी तुम गेम रिकॉर्ड करने जाते हो ना तो वहाँ पे लैग मारता था, फ्रेम ड्रॉप करता था। तो गाइस यही था वीडियो, और मैं सोच रहा हूँ क्या करो, तो बस।